नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील चौधरी, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। मैं आ गया हूं रामलीला मैदान में। आज हम जो हिंदू आस्था रखने वाले लोग हैं उनसे उनकी आस्था के बारे में जानेंगे और किस लिए इतने लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं और इनकी क्या मांगे हैं। मैं बोलना चाहता हूं प्लीज। तो आप, क्या नाम है आपका? मेरे नाम सर भी लाल है, अमित भी है। गरीब चंद का 5 रुपए चाय है, अमीर चंद का 10 रुपए है। देखो है, तो आप किस लिए आए हैं और कहां से आए हैं? मैं चाहता हूं कि राम मंदिर बने, मोदी जी भी हमारे देश के भगवान है। प्लीज यू गॉड हेल्प मी, आई लव ब्लाइंड गॉड सी जॉन सिल्पनी से पूजा करता हूँ। नव दुर्गा नमो नमो, नव दुर्गा भ्यो नमः। मैं एक गरीब आदमी हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ जो आपकी मांग क्या है यहाँ पे? मेरी मांगे है जो मंदिर बने, राम मंदिर। मंदिर किस तरह से बनना चाहिए? जैसे भगवान राम का मंदिर बने हुए थे ऐसे बनना चाहिए। अगर देखा जाए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है, पहले मंदिर चाहिए। जो मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमारा इतिहास बदला, उनका नाम निशान पछाड़ कर जय राम मंदिर बनना चाहिए। जो हमसे छीन लिए, जो हमसे लाएंगे, वही लाएंगे, 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 लाएंगे। जय श्री राम। हम राम मंदिर के लिए बात करने के लिए आए थे। किससे बात हुई आपकी? बात की से नहीं हुई, पहले ही कार्यक्रम हो गया। अच्छा, आप लेट पहुंचे जी। आप लोग किस लिए आए हो यहाँ पे? मंदिर बनवाने के लिए। मंदिर किस तरह की, क्या संकल्प लेके आए थे आप लोग? मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। 500 रुपए दिहाड़ी छोड़ के आया हूँ। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से आए, क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ कंपनी में। तो यहाँ पे आपने किसी को सुना? मतलब उसमें न्यूज में दे रहा था कि 11 बजे चालू है। तो आप कितने बजे पहुँचे? यहाँ पे 12 बजे आ गए। तो आपने मंच से जो प्रवक्ता थे उनको सुना? हाँ, उनके भाषण तो पूरे सुना। जब तो क्या भाषणों में क्या मुख्य रहा? मुख्य यही था कि मतलब मंदिर के लिए जो इन्होंने सुनाया कि मतलब बनना चाहिए और अध्यादेश से बनेगा, अध्यादेश लाने के लिए, लाने के लिए मतलब बोले। लेकिन मतलब किसी तरह भी बने, लेकिन बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, बनना चाहिए। मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, तो अध्यादेश लाने में क्या तकलीफ है इनको? सरकार को तो लाना ही चाहिए, लेकिन जब इनकी केंद्र में सरकार, यूपी में सब जगह इनकी सरकार है, तो इन्हें लाने में क्या कोर्ट में कहा डरो? कोर्ट तो सब इन्हीं का है। जय श्री राम। कोर्ट कोर्ट अलग अलग चीज होती है, सरकार अलग चीज होती है। सरकार चाहे तो कोर्ट में आदेश ना करवा सके, या पब्लिक का कुछ चूतिया बना रखा हो सबने। कौन सा मुद्दा है जो कोर्ट के द्वारा तय नहीं हुआ है? कहना सैकड़ों साल है, वही कब मंदिर बनना चाहिए। तो
आप क्या चाहते हैं सरकार तो किस तरीके से मंदिर बनेगा? किसी तरह से बने, हमें से कोई लेना देना नहीं। सीधी सी बात है, हमारे संविधान में लिखा है कि सब धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। आप यहाँ पे अल्पसंख्यक करते हैं, आप मिट्टी का तेल हो चाहे आपका डायमंड हो कोई भी हो, उसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय करते हैं। तो जो आपकी मुस्लिम आबादी है, जो ईसाई आबादी है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुकी है। एकमात्र हिंदू राष्ट्र बचा था नेपाल, उसको भी आपने सेकुलर कर दिया, तो हिंदू बचाएगा? जो अपने राष्ट्र में भी अल्पसंख्यक हो चुके हैं, आपने जो इतने सारे लोग थे, जो आपने 57 देश इस्लाम के बनाए और 157 से ऊपर ईसाई देश बन चुके हैं, और आपने इसके अंदर हिंदू राष्ट्र के अंदर भी आपने हमारे आराध्य भगवान श्री राम, जिनकी करोड़ों लोगों से आस्था जुड़ी हुई है, जिनके नाम पर दशहरा मनाया जाता है, दिवाली मनाई जाती है, लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं, आपने उनको भी विवादित कर दिया। ये विवाद का मुद्दा नहीं है, ये आस्था का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले समझना चाहिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये न्याय की उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप यहां पर पढ़ लिख के पहुंचे। संविधान को पढ़ा है आपने, धर्म को आपने पढ़ा है, तो इसके बारे में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हिंदू कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई भी मतलब जो मुद्दा है वो लड़ाई झगड़े से सुलझे, ये समझदारी का मुद्दा है। पहले जो भी थे, आज से 1400 साल पहले इस्लाम आया प्रकाश में, 2018 साल पहले ईसाईयत आई, उससे पहले आपका हिंदू धर्म है, तो हमारे सबके पूर्वज एक ही है। तो ये समझना चाहिए कि ये चीज समझनी चाहिए कि आस्था का प्रश्न है, ये विवाद का प्रश्न नहीं है। तो इसमें हम किसी भी प्रकार से विवाद नहीं चाहते, हम चाहते हैं समस्त धर्म जो भी है सब मिलजुल कर इसका निर्माण करें और सबकी सहमति से ये चीज बने। ये सब लोग एक ही हैं, हम लोगों का रक्त एक है और हम लोगों की एक ही विचारधारा है। तो जो भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग साथ मिले। मैं अच्छा लगा, हमारे सारे भाई हैं, लेकिन मेरे ये मतलब पुलिस प्रशासन क्यों इतना वो क्यों करता हम लोगों के साथ? इसमें कोई राजनीति नहीं, हमारे एक ही मकसद है कि हमारे ये है कि मंदिर बनना चाहिए। राम भगवान उनके भी हमारे उनके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, उन्हें समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए। हमारे पर ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, प्यार से बोलता हम चले जाएंगे वापस, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे। जय श्री राम, जय जय राम। और ओबीसी को खास बोल रहा हूँ, को बोल रहा हूँ कि हम हिंदू की तुलना मत करना अपने साथ, हमारी तुलना मत करना, मेरे जैसे अंग्रेज तेरे जैसे आ चुके हम, हमारी तुलना मत। तो क्या मन में एक उद्देश्य लेके आए थे आप? हम ये उद्देश्य लेके आए कि हम समर्थन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर बने। तो कहाँ व्यवधान है अभी? अभी यही पे है, कर इस सरकार की तरफ से हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी अपनी तरफ से प्रस्ताव लेके आए मंदिर के लिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट को उस चीज के लिए एग्री करे जिससे जल्दी जल्दी मंदिर की बनने की संभावना है जारी। सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है, भगवान राम के लिए सरकार प्रस्ताव लाए और जो भी इसका विरोध करे उसको समाज के अंदर, हिंदुओं के अंदर नंगा करो, ताकि हम लोग उनको पकड़ सकें जो भगवान श्री राम का विरोध करे। जय श्री राम। यहाँ पे किस उद्देश्य से आए थे? हम राम मंदिर के उद्देश्य आए हैं। तो क्या आपने देखा यहाँ पर राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा? अभी अगर जिस हिसाब से यहाँ देखा गया उस हिसाब से बनना चाहिए, बनेगा। ऐसा तो नहीं कि पुरानी तरह फिर राजनीति हो रही हो? राजनीति का ना इसमें राजनीति कोई है और ना राजनीति आएगी इसमें। और क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना है कि राम मंदिर जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनना चाहिए। मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर, मेरे साथ जो करोड़ों राम भक्त आज दिल्ली आए हैं, देश भर से राम भक्त दिल्ली में पहुंचे हैं, एक ही दिल की इच्छा है कि जल्दी से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो। और करोड़ों हिंदू आज भाई दिल्ली की सड़कों पर उतरा हुआ है, पूरी दिल्ली के अंदर आज पूरी दिल्ली पैक है और चारों तरफ देखोगे राम भक्तों की टोली आज एक ही नारे के साथ गूंज रही है, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहाँ हुआ है जन्म राम का भगवे मंदिर वहीं बनाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी
अभी इस मैदान में, अभी इस मैदान में कितने लोगों के पहुंचे हुए थे, कितनी कम से कम मान के चलो 10 लाख लोग दिल्ली में आज आए हैं। पूरी दिल्ली ठप थी, पूरी दिल्ली में चारों तरफ देखो भगवा 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 और कुछ नहीं था, पूरी दिल्ली भगवा हो रखी थी। ये आज राम भक्तों की, राम भक्तों की टोली पूरे देश में, दिल्ली में, पूरे देश भर से दिल्ली में आई हुई थी। तो ये राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो अध्यादेश किस तरीके से आएगा? आज पूरा विश्वास रखिए, मोदी जी विश्वास रखिए, योगी जी विश्वास रखिए, जल्द से जल्द फैसला आएगा और कुछ ना कुछ जल्द से जल्द होगा। ये विश्वास तो 2014 में भी रखा गया था। देखो 2014 में रखा गया था, मैं बताता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी अफजल गुरु की फांसी को आधी रात को चाहती है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाती है, वही कांग्रेस पार्टी क्यों चाहती है कि राम मंदिर का फैसला 2019 के बाद हो। तो जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड भी दे सकते हैं। देखो राजनीति कांग्रेस कर रही है इस पे, राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं आने दे रही कांग्रेस, राम मंदिर को जल्द से जल्द निर्माण क्यों नहीं होने दे रही कांग्रेस, सत्ता में सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस कहां, कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है, कपिल सिब्बल क्यों चाहते हैं, कांग्रेस क्यों चाहते हैं वो 2019 का फैसला है, कपिल सिब्बल चाहते हैं कि लोगों में एक कोई हीन भावना ना हो और कोई दंगा। कपिल सिब्बल आधी रात को अफजल गुरु के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकते हैं, और राम मंदिर के फैसले के लिए क्यों चाहते हैं, राम मंदिर का फैसला 2019 के बाद आए, वही कपिल सिब्बल आधी रात को जाकर सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं, अफजल गुरु आतंकवादी जिसने हजारों मासूमों की जान ली थी, उसके लिए कपिल सिब्बल चाहते हैं, कांग्रेस नेता चाहते हैं कि तुरंत फैसला आए और राम मंदिर का फैसला 2019 के बाद आए। ये क्या दोगला चेहरा है कांग्रेस का, राहुल गांधी बने हुए, राहुल गांधी जो आज भगवान बन चुके हैं, आज अपने आपको ब्राह्मण मान बोल रहे हैं, वो राहुल गांधी का दोगला चेहरा देश के सामने आ चुका है। जिस तरीके से भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार कहती है कि राम तो काल्पनिक है, उनका कोई प्रमाण नहीं है, तो क्या भाजपा या आपके हिंदू संगठन उनको प्रमाण दे पाएंगे? नासा ने बोला है सर, नासा ने बोला है कि 10,000 साल से ऊपर हो गए हैं, राम सेतु बना हुआ है, आपके इतने सारे प्रमाण मौजूद हैं, हिंदू धर्म आज से नहीं है, ये तो प्राचीन पुरातन है, कई सारे ऐसे धर्म हैं कि जो अपने कपोल काल्पनिक है, ये तो धर्म ऐसा जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज साइंस दे रही है और सारी दुनिया मान रही है, हमारे संस्कार में, हमारे रक्त में हिंदुत्व, ये कोई आस्था का प्रश्न नहीं है, ये तो हमारा रक्त है। लीलू दामा, लीलू दामा जी, आप देखने में बिल्कुल हनुमान के रूप लग रहे हो, तो क्या उद्देश्य लेके आए हैं आप यहाँ पे? हम मंदिर के लिए आए जी। तो कहाँ से आए हैं आप? हम किला परीक्षित उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, क्या वो कदम उठा पाएंगे कुछ? उठाना चाहिए उन्हें। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन्हें? हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि मंदिर बन जाए बस, जल्द से जल्द बने। तो जैसे कि कपिल सिब्बल कहते हैं कि 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे, तो आप क्या चाहते हैं? सब बकवास है, हमें नहीं मंजूर उनकी कोई भी बात। सर मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, देश के युवा नेता है, उनने जो जनेऊ पहना उल्टा सीधा कैसा पहना? जनेऊ कभी भी कपड़ों के बाहर नहीं पहना जाता है, जब माँ बाप मरते तब पहना जाता बाहर। हम पंडित है और उत्तराखंड के पंडित इधर इधर है, और उनको ये पूछना कि आपको गायत्री मंत्र आता है? अगर आता है तो हम उनको पंडित मानेंगे, नहीं तो ये ढकोसला ना करें। और जो काम होने से क्या दिक्कत है? जैसे जेरूसलम है, ऐसे कावा है, ऐसे ही हिंदुस्तान में राम मंदिर बनना चाहिए, बनकर रहेगा। ये हक है हमारा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम ही कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि अध्यादेश लाके राम मंदिर बनाया जाए। अध्यादेश तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अध्यादेश तो उसके बाद नहीं आ सकता है। तो आप क्या कहेंगे उस पर? हम सब हिंदू भाइयों को एक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बार बार कट जाएंगे, तो मंदिर नहीं बनेगा, तब तक नहीं बनेगा, तब हम लड़ते रहेंगे रोड पर भी, संसद में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो आज किस लिए आए फिर? हम इसलिए आए सर, यहाँ जागरूकता होनी चाहिए लोगों के बीच में कि राम मंदिर हमारे, राम हमारे आस्था का विषय है, और उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए जैसे रात में सुप्रीम कोर्ट खुलता है, तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना क्यों टाइम लटका रखा है? जज वही है, रात में भी खोलते हैं, 4 बजे भी खोलते हैं। ये राम मंदिर के लिए भी जल्दी कर दो ना, हाँ या ना के लिए जल्दी।